तो मैं आ चुकी हूँ सर मंदिर पे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का यहाँ के नज़ारे, वो देखिए सर मंदिर। और ये मैंने मीशो भैया, और ये मैं महीने हैं, और ये मैंने मीशो से ड्रेस मंगवाई थी जो मैंने आज यहाँ पे पहनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं कैसी लग रही है बताइएगा। ये देखिए यहाँ के नज़ारे, काफ़ी भीड़ है यार, फोटो क्लिक करने पे मना कर रहे हैं। यार फोटो नहीं खींच ले रहे, देखा विशाल लाइन कितनी, ये देखिए यहाँ इसके अंदर मछली है, ये लोग तो नहाए रहे, हम लोग भी नहाए थे आराम से। ये देखिए पानी, इसके अंदर मछली है, चलो चलते हैं लंगर खाने, क्योंकि वहाँ दर्शन करने में तो बहुत लंबी भीड़ है, वहाँ तो जा नहीं पाएंगे। कहाँ है लंगर, कितने देर लंगर के चक्कर में हो, खुद लंगर बन गए हो, वो है वो श्री किचन लंगर खा जो बहुत अच्छा होता है यहाँ का। आप लोग देख सकते हैं यार कितनी भीड़ है यहाँ। चलिए गाइस लंगर खाने जाते हैं, वहाँ देखते हैं फिर क्या हो रहा है। ओके तो लंगर ही बंद है, इस साल सोचा था इस बार हम लोग खाएंगे जाके, सुना था का लंगर बहुत अच्छा होता है, लेकिन किस्मत बैड लक वो बंद है। पिछली बार आई थी तो हम लोग जो मेरे ग्रुप के लोग थे उन लोगों ने इतनी तबाही मचा रखी थी, कुछ ना खरीद पाई थी ना कहीं घूम पाई थी सही से, और इस बार तो लकी साथ में नहीं है यार, क्या करें। अब कहाँ चल रहे, चलो देखते हैं चल के अभी क्या होता है बताते हैं। वीडियो बना ले रहे हैं, अरे कितनी बेहतर माय पानी है, आई क्या हम लोग कर रहे हैं, ये एकदम तरफ है ये सो गाइस हम लोग आ चुके हैं जलिया वाले बाग में, यहाँ देख सकते हैं कितने अच्छे बगीचे हैं यार, ये देखिए आप लोग यहाँ पे गोलियाँ चली थी जब लोग छुपे हुए थे शायद, इधर आ जा किशन चल, कुछ दिख ही नहीं रहा है, ए बदमाश कर रहा है आपको, कायदे देखो सब दिखाई पड़ेगा, शीशा है वो तो ये पैसे पैसे कम से कम 5-6 रुपया हो गया, कितना है वो उधर आओ। सो गाइस तो देखें ये देखिए, जब गोली चली थी तब यहाँ लोग छुपे थे, फायरिंग हुई थी, हाँ तब ये खुला था, ये अब शीशा ऐसा लग गए, अब ये शीशा ऐसा लग गया, हाँ पैदावार पैसा गिरे तो है वहाँ का, पड़े देखो कितना और क्या डालो डालो मांगी जात का इसमें कुछ। सो गाइस अब ये आप लोगों को दिखाते हैं गोली के निशान,
यहाँ पे फायरिंग जब हुई थी तो ये देखिए ये निशान है गोलियों के जहाँ पे ये सर्कल सा बना है, तो आप देख सकते हो ये देखिए गाइस ये यहाँ पे जब फायरिंग हुई थी तो जो बंदूक की गोली यहाँ पे लगी है तो उन्हीं के निशान है यहाँ पे, तो वहाँ पे सर्कल कर दिया गया और वहाँ पे हमारे देश के सिपाही लोग छुपे थे जिन्हें वो जो हमने आपको कुआं दिखाया है वहाँ पे लोग छुपे थे वहाँ पे, तो आप लोगों ने देखा। ओ मेरे घर वाले ग्रुप तो मेरा वहीं पे रह गया। चलो चलो अब चल अब चल। ये देखिए जिन लोगों की अपने घर वाले किधर हैं? चलो चलो ये सब शहीद लोगों की फोटोज हैं उनकी। सो गाइस आपने देखा यहाँ पे जिन लोगों की जो कुर्बान हुए थे उनकी सबकी फोटोज थी और सारी चीजें हैं। चल अब रोएगा तो नहीं लूंगी आगे क्या हो गाड़ी में। सो गाइस हम लोग यहाँ परेड देखने आए हुए हैं। हाँ हाँ यही है यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है, तो भी हम लोग जा रहे हैं इंडिया का बॉर्डर पे हम लोग इस टाइम इंडिया और पाकिस्तान के। ये देखिए आप लोग सब यहाँ तिरंगे लिए हुए हैं और जल्दी चलना है परेड शुरू होने वाली है। दिखाते हैं आपको ये चलो चला इधर से चले चलते जाए ना।
दौड़ो यार तुम लोग, पैर लगा जरा।
और का आप लोगों ने देखा कि मैंने बाघा बॉर्डर से मैं लोग हम लोग लौट आए हैं। मैंने खाना भी खा लिया, बस जा रही है सिंगोड़ी पे। तो मैं बाहर के आप ब्लॉग बनाऊँगी। बट गाइस अभी मैंने आप लोगों के साथ हरिद्वार और हरिद्वार की मंदिर का ब्लॉग नहीं शेयर कर पाई हूँ, तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, आगे पीछे पहुँच जाएंगे सारे। और जलिया वाला बाग जहाँ पे कांड हुआ था वो, और मैंने क्या किया बाघा बॉर्डर का तो पता भूल गए, क्या करूँ माइंड काम नहीं कर रहा कुछ। तो इन तीनों का मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखिएगा कैसा लगा है। और आप लोग देख सकते हैं बस कल के बाद शाम आज रात घर पे जाके अभी मैं शॉर्ट वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, कुछ नहीं हुआ यार। बाय, गुड नाइट।